हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, जिसमें हम रैम एंड रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम का जो फंडामेंटल एक यूनिट है, उसमें हमने मेमोरी डिस्कस की थी। हमने देखा था कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सिस्टम में एक मेमोरी की, और हमने ये भी देखा था कि क्यों हमने अपनी मेमोरी को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी कैश मेमोरी का, कैसे मेमोरी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के काम में आती है। उसी सीरीज में हमने मेन मेमोरी को भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी को, जिसमें हम दो टाइप देखेंगे। एक होता है इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। हम इन दोनों मेमोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैम के साथ, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होती है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। ये एक चिप होती है जिसको हम मदरबोर्ड में माउंट कर देते हैं, या फिर ये एक स्मॉल बोर्ड में एक चिप होती है जिसको हम सीपीयू से या हमारा जो एक्चुअली मदरबोर्ड है उससे कनेक्ट कर देते हैं। जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को रन होना होता है तो उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ आना पड़ता है? हमारे रैम में आना पड़ता है। याद रखिएगा, रन होने के लिए रैम में आना पड़ेगा, रोम की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी इंस्ट्रक्शन को रन होना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको कहाँ आना पड़ेगा? प्राइमरी मेमोरी के भी कौन से टाइप में? रैम में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो रैम होती है उसमें हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज रीड एंड राइट। ये रीड एंड राइट कैसे होता है? तो जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पढ़ रहे थे तो हमने इस चीज को देखा था, हमने कुछ कंडीशंस देखी थी, अगर वो ट्रू होती हैं तो उस बेसिस पे रीडिंग एंड राइटिंग कैसे परफॉर्म होती है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बट फिलहाल आपके जो समझने की चीज है वो ये है कि एक रैंडम एक्सेस मेमोरी में या रैम में हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक होता है रीड और दूसरा होता है राइट। ये जो रैम होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई डेटा हम कोई डेटा रीड या यहाँ पे कुछ डेटा राइट कर रहे हैं और इस बीच में पावर सप्लाई ऑफ हो गई या चली गई, तो हम रीस्टार्ट जब अपना कंप्यूटर करेंगे तो हमको वो डेटा नहीं दिखेगा। ऐसा आपके साथ होता होगा कि आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं और आपका जो सिस्टम है वो बंद हो गया, या फिर अगर आप अपने मोबाइल की बात कर लें तो आपके आपके जो मोबाइल है उसकी बैटरी चली गई। तो उस केस में आप जब अपना सिस्टम, अपना मोबाइल या सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं तो क्या आपको वो मूवी का जो वीएलसी प्लेयर या एमएक्स प्लेयर जिस पे भी आप उस सॉफ्टवेयर पे देख रहे होते हो, क्या वो ओपन दिखता है? नहीं दिखता। क्या हो रहा था? जब वो मूवी को रन होना था तो जो सॉफ्टवेयर था वो कहाँ आया? रैम में आया, क्योंकि मैंने बताया अभी कि किसी भी प्रोग्राम को रन होना होता है तो रैम में आता है। तो उस टाइम पे तो वो रैम में था क्योंकि वो रन हो रहा था। लेकिन ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर, अगर पावर सप्लाई चली गई, इंटरप्ट हो गई, तो क्या हुआ? वहां से डेटा लॉस्ट हो गया। और यही रीजन है कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया मूवी देखने का, तो आप जब रीस्टार्ट करते हो तो आपको वो पेज या वो सॉफ्टवेयर या जिसपे भी आप जो काम कर रहे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, बस आप उस पर अभी काम कर रहे हो फिलहाल, तो वो आपको नहीं दिखती रीस्टार्ट होने पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर पावर सप्लाई चली गई तो डेटा भी लॉस्ट हो गया, और यही होता है हमारे रैम का वोलेटाइल नेचर। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारी जो रैम है वो फास्टर रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्म करती है, अगर हम उसको कंपेयर करें अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव से, या फिर हमारी एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब आपने सुनी होगी, आप खरीदते भी हैं। हमारे जब सिस्टम स्लो हो जाता है तो हम HDD और SSD खरीद के एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डिवाइसेज लगाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज लगाते हैं। तो रैम का जो रीडिंग एंड राइटिंग होती है वो इनसे मच फास्टर होती है। सीपीयू
रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये भी हमने देखा था कि अगर हमारा सीपीयू एक्सेस करना चाहे रैम को तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है हमारी रैम को, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को नहीं कर सकता, बट रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है। जो रैम की कैपेसिटी होती है वो हमारी कम होती है, तो अगर एक सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात करें तो रैम का साइज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाएगी और सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन हम एक लिमिट में ही उस रैम का साइज बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने रैम बहुत ज्यादा ले ली तो उस केस में क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी की तरह बिहेव करने लगेगी। आई मीन नॉट इन नेचर, बट अगर आप एक एग्जाम्पल से समझें कि रैम छोटी है, इसमें आपने फ्रीक्वेंटली डेटा को रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब सीपीयू उस डेटा को ढूंढ रहा है तो उसको जल्दी से मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप साइज बढ़ाते ही जाओगे, कोई लिमिट ही नहीं रखोगे, तो उस केस में होगा क्या कि यहाँ पे एड्रेस लोकेशन बहुत सारी हो जाएंगी और सीपीयू को टाइम लगेगा उन एड्रेस लोकेशन में से जो डेटा एग्जीक्यूट करना है उसको फाइंड आउट करने में। अब बात करते हैं ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये कितने टाइप की होती है। तो हमारी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो फर्स्ट टाइप है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा टाइप होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इनको हम डिटेल में अपने आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अब देखते हैं एक रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम के एडवांटेज क्या होते हैं। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसी में से हम थोड़ा एक्सट्रैक्ट निकाल के इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये फास्टर मेमोरी है अगर सेकेंडरी मेमोरी से इसको कंपेयर किया जाए, इसको ऑपरेट होने में कम पावर की जरूरत होती है और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। कैसे, हमने यहाँ पे इसको एक डायग्राम से देखा। यहाँ पे हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग भी, तो ये रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने की हमको फैसिलिटी देती है। यहाँ पे जो हमारा सीपीयू होता है वो डायरेक्टली हमारी जो रैम है उसको एक्सेस कर सकता है। वहीं अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक इसका ये है कि ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब कि यहाँ पर डेटा प्रिजर्व नहीं रहता, यहाँ पे डेटा पावर सप्लाई जाने के बाद चला जाता है और इसीलिए इसको नॉन रिलायबल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते, लाइट चली गई हमारा डेटा लॉस्ट हो गया, तो नॉन रिलायबल है। ये एक्सपेंसिव होती है अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी रीड ओनली मेमोरी से। तो जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी का जो रैम टाइप है वो रोम से थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इसका जो साइज है वो लिमिटेड होता है। रीजन मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करके बताया था कि आपको अब समझ में आए कि इसका साइज जो है वो लिमिटेड हम क्यों रखते हैं या इसका साइज जो है वो लिमिटेड क्यों होता है। तो चलिए, ये तो हमारा डिस्कशन हो गया रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि ये रोम क्या है। तो रोम क्या होती है हमारी, यहाँ पे हमें परमानेंटली डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी होती है। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ रैम जो है, जो रोम है वो डिफरेंट है स्टोर हमारे सेकेंडरी स्टोरेज से, जहाँ पे हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है वो डेटा होता है जो प्रोग्राम के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर जो हमारी रोम चिप होती है उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है जो हमारे सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम, ठीक है। ये जो मेमोरी होती है उसमें केवल रीडिंग परफॉर्म होती है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हम केवल रीड कर सकते हैं जो भी इस चिप में स्टोर्ड है, जो भी रोम में स्टोर्ड होता है, हम केवल वही डेटा इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो भी होते हैं उनको हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो हम उस पर कुछ राइट कर सकते हैं, ना तो हम उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्दर इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं मॉडिफाई या फिर राइट करने की भी, बट अगर हम बेसिक रोम की बात कर रहे हैं, हम टाइप्स पे नहीं जा रहे अभी, तो जो हमारा रोम है वहां पे हम केवल रीड कर पाएंगे, हमें राइटिंग या मॉडिफाई की फैसिलिटी नहीं मिलती है।
अब बात करते हैं कि रॉम में होता क्या है। तो रॉम में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम में आते हैं। जैसे अभी मैंने एक नाम बोला था एक प्रोग्राम का जो था बूट स्ट्रैप लोडर। अब ये बूट स्ट्रैप लोडर क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने के काम में आता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि हमें ये बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में कोई चेंजेस तो करने नहीं है, ये एक बार लिख गया तो उसका काम भी फिक्स्ड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना है। तो इसीलिए इस टाइप के जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम रॉम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं कि ये जो रीड ओनली मेमोरी है ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, तो एक्चुअली हमारी जो रीड ओनली मेमोरी या रॉम जो होती है वो हमारी होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कैसे, क्योंकि इसमें एक बार जब डेटा लिख जाता है तो अगर लाइट चली भी जाती है या पावर सप्लाई इंटरप्ट भी हो जाती है तो वो डेटा स्टोर्ड रहता है, हम रीस्टार्ट करते हैं जब सिस्टम को तो वहीं मिलता है। ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसको वहां पे लिखा गया है, जैसे बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम। तो ये बेसिकली ये नॉन वोलेटाइल है, डेटा जो वहां पे है वो परमानेंटली ऐसे स्टोर रहता है, जो भी प्रोग्राम है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं रॉम यूज कहां हो रही है, तो इट इज यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम जब हमें लिखने होते हैं जिनको हमें चेंज नहीं करना, जैसे कि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में वो सारे प्रोग्राम कहाँ लिखे जाएंगे, रॉम में लिखे जाएंगे। तो पहली चीज ये एम्बेडेड सिस्टम में यूज हो रही है, और दूसरी जब हमें प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं करना होता तो हम रॉम का इस्तेमाल करके वो प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जैसे हमने रैम के डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस के साथ रीड ओनली मेमोरी के। सबसे बड़ी बात, ये नॉन वोलेटाइल है, डेटा हमेशा या इंफॉर्मेशन हमेशा वहां स्टोर रहती है, लॉस्ट नहीं होती। ये हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है और इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती, ये कंटिन्यूस रिफ्रेशमेंट डिमांड नहीं करती। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है इसीलिए यहाँ पे जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे लाइट चली गई तो डेटा जो है नेक्स्ट टाइम हमको नहीं देखने को मिलेगा, वो स्टोर नहीं होगा। तो ये हमारा परमानेंट स्टोरेज है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। ये चीपर होती है हमारी इन कंपैरिजन टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो रॉम है वो चीपर होती है रैम से और ये रिलायबल होती है रैम से। रीजन वही कि भाई इसमें जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, ऐसा नहीं है रैम की तरह कि कुछ डेटा हम इसमें राइट कर रहे हैं या वहां से कुछ रीड कर रहे हैं और उस बीच में पावर सप्लाई इंटरप्ट हो गई तो वो डेटा लॉस्ट हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रॉम है हमारी वो कैसी है, वो रिलायबल है। लास्ट अगर हम इसका एडवांटेज डिस्कस करें तो एक्चुअली ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के काम में आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाती है इस मेमोरी की, क्योंकि ऑब्वियसली इसी के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और ऑब्वियसली स्टार्ट होने के बाद ही हम उसमें कुछ काम कर पाएंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। बात करते हैं अगर कुछ लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस की रॉम की, तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि एक बार इसमें अगर आप कोई प्रोग्राम लिख देते हो तो आप उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा कि अभी मैं एकदम प्योर रॉम की बात कर रही हूँ, मैं इसके टाइप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम नॉर्मल रॉम की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें फैसिलिटी मिलती है डेटा को रीराइट करने की, बट अभी हम एकदम नॉर्मल रॉम और रैम की बात कर रहे हैं, हम इसके टाइप्स डिस्कस नहीं कर रहे। तो उस केस में हमारा एक बार डेटा लिख गया तो हम वहां से डेटा को रिमूव नहीं कर सकते।
अब अगर बात करते हैं हम इसके सेकंड डिसएडवांटेज की, तो ये जो रॉम होती है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन टू हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसके दो टाइप होते हैं, रैम और रॉम। हमने रैम को डिटेल में डिस्कस किया, फिर हमने रॉम को भी डिटेल में डिस्कस किया और हमने देखा कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं।